तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर आपकी मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय के पेपर के लिए एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैंने आपको दो सेट पेपर उपलब्ध करवाए हैं, सेट ए और सेट बी। अगर आप लोग इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपनी पूरा परीक्षा की तैयारी के लिए इन दो क्वेश्चन सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, सेट ए और सेट बी। देखो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या है। देखो रूट 144 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 1/10। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो √2x + 5 बहुपद नहीं है। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, यदि a + b + c = 0 हो तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 = होगा, तो देखो ये 3ab के बराबर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, √3 का दशमलव प्रसार है, तो देखो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, तो देखो पांचवे का राइट आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, समीकरण 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल होगा, तो देखो छठे का राइट आंसर यह आ जाएगा आपका। यहाँ तक का देख ले आप लोग। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे जो रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, इनको भी आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, आयत चित्र वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो देखो यहाँ पर आपको ऊंचाई लिख देना है। y = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो देखो यहाँ पर आपको x अक्ष लिख देना है। वे रेखाएं जो a की रेखा के समांतर होती है, परस्पर होती है, तो देखो यहाँ पर आपको समांतर लिख देना है। एक संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक समद्विभाजित करते, तो देखो समकोण यहाँ पर आपको लिख देना है। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता कहलाता, तो देखो इसको कहते हैं संपूरक कोण। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख लें, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, x = 0 वाई अक्ष का समीकरण बिल्कुल सत्य होगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने से अधिक है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये भी सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक नहीं होते, 0-0 होते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऋजुकोण की माप 360 डिग्री है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लो, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलन आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी सम चतुर्भुज एक है, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी वर्ग चिन्ह से। उसके बाद में समीकरण 2x - y = 7 का हल होगा, देखो -3 और 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसका जोड़ी मिल जाएगी चतुर्भुज से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना, देखिएगा इसकी जोड़ी इससे नहीं मिलानी है, आपकी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी वर्ग चिन्ह से, ठीक है ना। इसकी जोड़ी इससे मिलान कर ले, थोड़ा सा अलग हुआ है ये जोड़ी मिलान, तो आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेंगे। ठोस आकृति का उदाहरण आपका क्या आ जाएगा, बेलन। उसके बाद में देखो ए भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होगा। और उसके बाद में देखो द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो देखो ये आ जाएगा। और सम चतुर्भुज एक है, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी चतुर्भुज से। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसका जोड़ी का मिलान कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से आप लोग इनको देखते चलें बराबर। तो देखो बहुपद 2x + 4 का शून्य क्या है, तो देखो -2। और 2x = y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा 2x - y = 0। उसके बाद में बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखो 3 होगी। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते, तो देखो एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लें, प्रश्न नंबर 8 को देख लें, 9 को देख लें। अब 9 के बाद में इधर आ जाते हैं, तो देखो ये प्रश्न नंबर 10 लिखा है, और 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 लिखा है, 12वां क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 13 लिखा है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये दिया गया, 17वां ये लिखा है, 18वां, 19वां, इसी प्रकार के इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये दिया गया है, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।